प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन 7 बड़ी योजनाओं का आज हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, उनमें एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है 5 करोड़ बीपीएल धारकों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इसका उद्देश्य है खाना बनाते समय ग्रामीण भारत को धुएं से आजादी मिले। इसकी समय सीमा 3 साल है और बजट 8,000 करोड़ रुपए। अब आपको दिखाते हैं मंदसौर की जनता क्या कह रही है मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 346 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी योजनाएं पहुंची या नहीं, इसकी पड़ताल शुरू करते हैं मंदसौर के जिला मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे गाँव साबाखेड़ा से। साबाखेड़ा गांव के निवासी 36 वर्षीय मंगल राठौड़ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। मंगल राठौड़ किसान है, इनके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है, लेकिन पक्का मकान नहीं है और ना ही घर में शौचालय है। इनका दावा है कि पंचायत के चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन ना मकान दिया ना शौचालय। अरे आपको आवास योजना के तहत मकान है आपका? खुद का मकान खुद का है आपका? एक कमरा है। मकान नहीं है? शौचालय बनाया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी सरकार 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा कर चुकी है, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय की व्यवस्था करने का भरोसा दिया था। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा शौचालय देश में बन चुके हैं, जबकि 6 करोड़ 12 लाख शौचालय बनने हैं। सरकार कह रही है कि ये योजनाएं बेहद तेज गति से लागू हो रही है। अगर ऐसा है तो मंगल राठौड़ तक योजनाएं अब तक क्यों नहीं पहुंची? हालांकि इसी पंचायत में रहने वाले बालूराम राठौड़ की कहानी मंगल राठौड़ से बिल्कुल जुदा है। 41 साल के बालूराम राठौड़ को मोदी सरकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी भी है और कई योजनाओं का लाभ भी मिला है। गांव वालों को मोदी सरकार से शिकायत नहीं है, लेकिन स्थानीय सांसद विधायक और उन अधिकारियों से शिकायत है जो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। गांव वालों का दावा है कि सांसद और विधायक तो चुनाव के बाद कभी आए ही नहीं। मंदसौर का भूड़िया खेड़ी गांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके मोदी सरकार की योजनाओं के प्रति इनकी जानकारी और जागरूकता बेहद कम है। कोई जानकारी नहीं। क्यों नहीं मिलता फायदा? ये तो पंचायत स्तर पे जो आता है वो जानकारी तो वो बताए तो मालूम पड़े। ये है मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार सिंह। इनका दावा है कि जनधन योजना और फसल बीमा योजनाओं में मंदसौर का प्रदर्शन अच्छा है। कि हमारे यहाँ जो बेनिफिशियरी हैं सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, और इनफैक्ट हम आसपास के जिलों में भी सबसे ज़्यादा जुड़ने वाले जिलों में शामिल हैं। मंदसौर में बीजेपी के सांसद हैं, नाम है सुधीर गुप्ता। सांसद महोदय हवा में हड्डी उछाल रहे हैं, इनके पास योजनाओं के क्रियान्वयन के आंकड़े भी नहीं है। गांव तक नहीं पहुंची ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। जिन योजनाओं को जितने समय में निर्धारित समय में जहां पहुंचना था उससे तीव्र गति से वो पहुंची है। तमाम योजनाओं पर बात करें जिसको एक निर्धारित समय में पहुंचना था वो सारी योजनाएं पहुंची है, और चूंकि राज्य शासन और हम सब यहाँ मिलकर काम करते हैं तो सारी योजनाओं को ऐसे अलग से डिफाइन करना वो कार्य भरी उतनी कुशलता से नहीं हुआ होगा। लेकिन योजनाओं का नहीं पहुंचना, मैं समझता हूं कि ये संदेश तो नहीं है। मोदी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जिन जगहों पर जिन माननीयों पर है उनमें ज्यादातर खुद उन जगहों से दूरी बनाकर बैठे हैं। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों के लिए चलाए जा रही योजनाओं की हकीकत जानने जी मीडिया की टीम सोमवार दोपहर को ग्वालियर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बसे गांव अडूपुरा पहुंची। अडूपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 और गांव आते हैं, इनमें रवार, सिकरोड़ी और अलीपुर शामिल है। इस गाँव की आबादी लगभग 3500 है। वहीं इस गाँव में 17,025 वोटर हैं और 113 परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। भोपाल से 448 किलोमीटर दूर ग्वालियर के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लोग वाकिफ तो हैं, लेकिन कैसे इन योजनाओं का लाभ लिया जाए ये किसी को नहीं पता।
लोग बता रहे हैं कि अधिकारी या जनप्रतिनिधि योजनाओं के बारे में बताते ही नहीं। एक योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है जिसमें गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, क्या आपको इस योजना के बारे में जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, न सेक्रेटरी बताए न सरपंच बताए। कई लोगों का आरोप है कि इन योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। पड़ताल के दौरान एक बुजुर्ग ऐसे भी मिले जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है। अब वो झोपड़ी की जगह पक्के मकान में रह रहे हैं। कि आप पहले कच्चे मकान में रहते थे, किस तरीके से आपका ये पक्का मकान बना? जी सरकारी तरफ से। कैसे जानकारी मिली थी आपको? सरपंच ने पटवा दिया ने। क्या बताया था? सरकारी पैसा निकालो और मकान बना। गांव के सरपंच गोपाल सिंह राजौरिया कहते हैं कि सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी वो लोगों को नियमित तौर पर देते हैं। सवाल है, अगर ऐसा है तो फिर गांव वाले शिकायत क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर मीटिंग होती है ना जनपद में हमारी, तो वहाँ से एजेंडा वगैरह मिलता है। ग्राम सभा की बैठक में भी है, जैसे अपन चौपाल पे भी आते हैं वहाँ पर भी बताते हैं अपन सब लोगों को, जिसे योजना अपनी चालू है, जिसे अपन को लाभ होना है। ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के बाद जी मीडिया ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी CEO जिला पंचायत नीरज कुमार सिंह से बात की। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति तक जानकारी ना पहुंचे, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करें। यदि जो है फिर भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है तो फिर जो है लोगों को वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण बताते हैं कि यहां कोशिश करने पर भगवान आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन सांसद महोदय नहीं मिल पाते। मध्य प्रदेश के गाँव में पड़ताल के दौरान जो बड़ी बात सामने आई वो ये कि ज्यादातर लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिले उसकी जानकारी नहीं है। मोदी सरकार को अपनी योजनाएं जमीन पर सही मायने में लागू करनी है तो फिर ग्रामीणों को जागरूक करने और उन्हें लाभ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को गांव-गांव भेजना होगा। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, ग्वालियर। तो कुछ कुछ हो रहा है लेकिन बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, और जी मीडिया की टीम अलग अलग गांवों में जाकर ये रियलिटी टेस्ट करती रहेगी।